देवकी रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवकी रंजन जी बोलिए बोलिए देवकी रंजन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुक ला भाई, हम बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं, पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली हाँ, और सर्च करना, चार वेदे चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकी रंजन जी, बताइए हिंदू, बताइए ना। मुझे एक बात बताइए अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली चार लोग नहीं बजा रहे, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी के इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मींस पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझे। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ तो समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया, आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके सुनिए एक सेकेंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड औरंगजेब को रहमतुल्ला बोलते हैं। और भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, सुनिए हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, देखिए प्यार आपने बोला, प्यार है मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब राम लला का मंदिर का शिलान्यास किया तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि ये सही नहीं था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात पर कहना चाहता हूं कि भारत में लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हों, तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है, और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल आपने कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमीश जी, आप गलत मानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था रामचरित मानस एक पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता, नंबर एक बात। दूसरे, रामचरित मानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के, रामायण में भी वही सात कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है, और यही सारे रामचरित मानस में है। जूके तू कहानी भी जो की तो रखी है, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ वो स्वामी प्रसाद महाराज को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है, मानस में भी नहीं है, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैंने मैंने खुद राम मेहता से समझने का प्रयास किया, मैं बता देता हूं, मैं पूरा साथ हूं, मेरी पार्टी साथ है जी। आपने बोला रामचरितमानस लिखा, जय वर्णाधम तेलि कुमारा, ये जो वर्णाधम जो नीच हैं
तेली और कुमार को नीच कहा है। ये आपको पढ़ रहे हैं मोदी जी क्या है, रामचरितमानस में मोदी जी क्या है भाई? वो तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं उसका मतलब नहीं। आगे क्या है उन्होंने कहा भाई? आगे आगे की पंक्ति बताओ, आगे की पंक्ति बताओ क्या आप आगे? आप बोलिए, आप तो पढ़ाए तो बोलिए, पढ़ाए तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा मुई नारी ग्रह संपत्ति नाशी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं आके। पूरा पता है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपको मैं मौका दूंगा जी। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते का समझ में, पांच साल भाजपा में एक समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। पांच साल बसपा में रह के नहीं समझ में आता, पांच साल भाजपा में नहीं समझ में आता है, जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खोलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हां 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट टू। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस पे, रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे, और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था, उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं।